हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या। वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्यास क्रिएटिविटी क्लासेस। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वीडियो है जो कि मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है। सो अभी के लिए बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास MDF सीट ख़त्म हो गए थे, पर एक के ये बेस आते हैं ना, उसी पे मैं ये DIY स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो बेस है उस पे हम लोग जैसो अप्लाई कर लेंगे, डबल कोट हम लोग जैसो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सूखने को छोड़ देंगे, फिर हम लोग डायग्राम्स में क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाने नहीं आता है तो फोटोकॉपी करके कार्बन पेपर की हेल्प से यहाँ पे डायग्राम अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा डायग्राम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कलर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे जो बेस है हमारा उसको ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा वाइट और ब्लू का शेड दे करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद इसको सूखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद हम लोग सिल्क कार क्ले होता है उससे जो ग्रूम की जो पगड़ी होती है उसको क्रिएट करेंगे। फेविकोल की हेल्प से उसको स्टिक कर लेंगे। ये क्ले को स्टिक करने के बाद जो कार्डबोर्ड कटर होता है उससे हम लोग उस पगड़ी पे लाइनिंग थोड़ा थोड़ा कर देंगे। जिससे वो पगड़ी का शेप ऐसा लगे कि हम लोग ये ग्रूम के पगड़ी को बनाए हैं। जिस तरह से हम लोग ये पगड़ी को ड्रॉ किए हैं उसी तरह से उसी पे हम लोग क्ले को अप्लाई करेंगे। फिंगर के टिप से उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब दुल्हन के हेयर को हम लोग क्रिएट करेंगे। अब जो हम लोग जूड़े के लिए क्ले को वहाँ पे स्टिक किए हैं और उस पर क्या करेंगे, कुछ भी आपके पास पेन हो या कार्डबोर्ड कटर हो तो उस पर हल्के हल्के डॉट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आउटलाइनर बनाएंगे। टेलकम पाउडर लेंगे, फेविकोल लेंगे और जिस कलर के आपको 3D लाइनर बनाने हों उस कलर को हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपको जो भी कलर के आउटलाइनर बनाने हों उसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे मिक्स करके। अब हम लोग कोन में इसको फिलअप कर लेंगे। ये हमारे 3D लाइनर तैयार हैं। अब हम लोग को जो भी डायग्राम वहाँ पे क्रिएट करना है उसके हेल्प से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये 3D लाइनर के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप कैसे 3D लाइनर बनता है उस पे जाकर के आप लोग सीख सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट के भी 3D लाइनर है तो उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं फ्लावर यहाँ पे बना रही हूँ पिंक कलर के। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के भी 3D लाइनर से लीव्स को अप्लाई कर दूंगी। अब इसको सूखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद जो हमारे यहाँ पे आउटलाइनिंग में जो हम लोग जगह छोड़े थे उसको हम लोग गोल्डन कलर से अप्लाई कर देंगे।
ये गोल्डन कलर के मैं यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए ये यहाँ पे मेरे डबल कोट गोल्डन कलर के लग गए हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रूम की जो पगड़ी होती है उसको कलर कर रही हूँ। ये वाइट कलर से मैं उसके ग्रूम की पगड़ी को कलर कर रही हूँ। अब हम लोग दुल्हन के बाल को ब्लैक कलर से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जूड़े के लिए रेड कलर का यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद वाइट कलर को, जो हम लोग दुल्हन के गजरे के लिए रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वाइट कलर साइड में हल्के हल्के यूज़ कर देंगे, जिससे फ्लावर का शेप हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो फ्लावर का शेप और गोल्डन कलर को बीच में थोड़ा थोड़ा क्रिएट कर देंगे। अब हम लोग दुल्हन के लहंगे के लिए रेड कलर के वेलवेट अगर आपके पास हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कॉटन का भी रेड कलर का फैब्रिक ले सकते हैं। ये देखिए लहंगे के लिए हम लोग यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हम लोग इसको डेकोरेट करने के लिए डिज़ाइनर लेस का यूज़ करेंगे। आपको जैसे इसको डेकोरेट करना है वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा डेकोरेट हो गया है। अब हम लोग जो ग्लिटर वाले आउटलाइनर आते हैं उससे हम लोग थोड़े थोड़े उसके लहंगे पे थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। और डिज़ाइन क्रिएट हो जाने के बाद इसको एकदम अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। आपको जिस तरह की डिज़ाइन आपको पसंद है उस तरह की डिज़ाइन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सूख जाने के लिए छोड़ देंगे। दूल्हे का जो शेरवानी होता है उसके लिए भी वाइट कलर का ही यूज़ कर रहे हैं। और दूल्हे के दुल्हन की ब्लाउज के लिए रेड कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं 0 नंबर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ आउटलाइनिंग के लिए। जो हमारे ग्लिटर वाले ट्यूब होते हैं उससे दूल्हे के जो शेरवानी है उस पर भी थोड़े थोड़े डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। अब मैं इसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मंडाला आर्ट या डॉट आर्ट का यूज़ कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा वाइट कलर का डॉट करके उस पर थोड़े थोड़े से ऑरेंज कलर का, उसके बीच में ही ऑरेंज कलर का डॉट करके उसके साइड साइड में थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये डॉट पेंटिंग मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। हम लोग दुल्हन के ड्रेसअप को थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। जो छोटे वाले चैन आते हैं उससे हम लोग दुल्हन के ब्लाउज को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे जो शेरवानी वाले दुपट्टे होते हैं वो दूल्हे के लिए यहाँ पे डिज़ाइनर लेस का यूज़ की हूँ। और जो हम लोग दुल्हन के लिए लहंगा बनाए थे वो यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और ओढ़नी के लिए डिज़ाइनर लेस का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आपको ये मेरा DIY कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।